चीता गैंग में ब्याजखोर परिवार का आतंक, 50,000 देकर 4.5 लाख वसूले, एनजीओ की मदद से पीड़ित महिला ने दर्ज कराई शिकायत। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ट्रांबे के चीता कैंप परिसर में एक परिवार है जो ब्याज पर पैसा देने का काम करता है, और ब्याज पर ब्याज, चक्रवाड़ ब्याज जिसको बोलते हैं, चक्री ब्याज, तो ये सब लगा करके किसी भी जरूरतमंद का ये सब कुछ लूट लेते हैं। इसी संबंध में ट्रांबे पुलिस स्टेशन में एक पीड़ित महिला शबनम मोहम्मद सलमान शेख, इसने एक शिकायत दर्ज कराई है। साहूकारी कानून की धाराएं और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराएं लगाते हुए ट्रांबे पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है, वो भी एक एनजीओ की मदद लेने के बाद ये पीड़ित महिला शिकायत दर्ज करा पाई है। इस ब्याजखोर परिवार का यहाँ पर इतना दबदबा और आतंक है, बताते हैं कि यहाँ के स्थानीय नेता और समाज सेवक भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते। सईद शेख नामी एक समाज सेवी है जो एनजीओ चलाते हैं, उनके साथ कोई परवीन मैडम है, इन्हीं के एनजीओ ने इसमें इस शबनम शेख नामी महिला की मदद की है। पूरे मामले को लेकर शबनम शेख ने क्या जानकारी दी है और एनजीओ के इन पदाधिकारियों ने क्या जानकारी दी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही देखिए कि कौन है ये ब्याजखोर परिवार, जिसमें मरियम उर्फ मैयो, रुखसार उर्फ रुक्को, अली शेख उर्फ लालू उर्फ लाला और इमरान उर्फ इम्बो, ये सभी परिवार के सदस्य हैं जो आए दिन यहाँ पर ब्याज पर पैसा देने के बाद मनमानी वसूली करने के लिए जाने जाते हैं। आपका नाम क्या और आप कहाँ रहते हो? मेरा नाम शकीला बानो है, मैं चीता कैंप ट्रॉम्बे में रहती हूँ। अखाला, 3-4 दिन पहले जो है एक न्यूज वायरल हुई थी, आप लोग न्यूज में दिखाई दे रहे थे, कुछ ब्याज को लेके, कुछ ब्याज पे देने वाले लोग हैं जो आपके ऊपर हमला किए थे, पुलिस में शिकायत भी हुई थी, क्या था पूरा मामला बताएंगे जरा? मामला ऐसा था कि मैंने मुस्कान से 50,000 ली थी और 50,000 का रोज का 750 ब्याज जाता था, मगर थोड़े दिन नहीं दो तो वो ब्याज बढ़ जाता था, फिर वो बोलती थी मेरे से ही 10,000 लेके ब्याज क्लियर करो, ऐसा करते करते उसने 1,20,000 कर दी, तो अब हम लोग बोले कि कितना हो गया तेरा, तो अब बोलती है 4.5 लाख तक मेरा पूरा निकल रहा है, तो भी हम लोग ने मैरून के वहाँ VC उठा के देने की कोशिश करे उसको कि चलो खत्म हो जाएगा, तो बोलती नहीं पहले 70,000 और ब्याज चल गया, तो बोलती 4,70,000 दो, तो मैं बोली इतना तो नहीं है मेरे पास, अब मेरे पास 4 लाख है तो ले लो, तो बोलते नहीं मांगता तू, मुद्दल में कम दो, ब्याज रोक दो, ऐसा बोलते हैं ब्याज ले लो मुद्दल कम दो, तो क्यों हम मुद्दल कम देंगे, कल को 1 लाख रोकने बोल रही है तो 1 लाख का 4 लाख फिर हो जाएगा, तो कहाँ से हम गरीब लाएंगे, हमारा पानी पूरी का धंधा है रोड पे, हम इतना तो नहीं कमाते हैं, हम खाने के वंदे हो गए, रात को 4-4 बजे मैदान में बैठते उसके डर से कि हम घर पर नहीं जाते, कि आके ठोकेगी, एक रोज 4 बजे रात को आके इतनी जोर जोर में दरवाजा ठोक रही थी, जो कि मेरे शोहर को सब नहीं मालूम था। कितने दिन पहले आप लोग ने जो ब्याज पे लिया था पैसा? हम लोग सितंबर से चालू करे 6 महीने, रास्ता किसने बताया था आपको, मतलब और रास्ता एक राबो करके है, राबो करके वो लेके गई थी, वो बेचारे अच्छे के लिए ले गए कि चलो तुमको दिलाऊं, अब उसको भी मारते है, वो भी फंसी है वहाँ, ब्याज पे तो आपने लिया है ना? हाँ लिए थे, अपनी मर्जी से कहते हैं वहाँ पे। हाँ जी ओके, तो मतलब आप पैसा देने के लिए तैयार हो, लेकिन कितना पैसा है अभी, कितना बाकी है? वो 4.5 लाख बोल रहे हैं। एक दिन का कितना भरते हैं आप पैसा? अब आस्ते आस्ते करते करते तो रोज का 2,500 ब्याज हो गया है, और उन लोग क्या कहते हैं कि तुम बीसी मत लो, तुम हम तुमको कार्ड बना के देते हैं, रोज का 3,500 भरो 6 महीना, तो मैं कहाँ से भरूंगी 3,500 रोज का, हमारे पास आएगा पानी पूरी के धंधे में कोई इतना कमाता है, मेरे बेटे है, बहू है, पोता पोती है सब, हम लोग क्या खाएंगे और क्या देंगे हम लोग, तो हम लोग ने उस दिन कोशिश किए देने की, तो आए डायरेक्ट बोले पैसा नहीं दे रही, कार्ड नहीं ले रही, बस वो कार्ड की उनको खुन्नस थी कि हमने उनसे कार्ड नहीं लिया, उसी घर पे आके मारा था क्या किसी? नहीं बाजार में मारे हैं, बाजार में कहाँ? बाजार में हकीम डॉक्टर है उनकी गली में, जो मारपीट चालू किए मेरे आदमी को, धंधे से कॉलर पकड़ के लाए, जो क्यों वो कभी 1 में नहीं 2 में नहीं, जब हम ब्याज देते थे इतना, जब हमारे आदमी के पास जाना मांगता था ना कि तुम्हारी औरत इतना ब्याज भर रही है इनको निकाल लो, जब ब्याज बंद हुआ तो हमारा आदमी दिखा, और जब तक हम अकेले डर डर के भर रहे तो अच्छे से ब्याज ले रहे थे इन लोग, फिर क्यों मेरे आदमी पे इन लोग उठे? अच्छा, ऐसा जो आपका जो वीडियो जो वायरल हुआ है, उसमें जो है कमेंट में ऐसा लिखा गया है कि आप लोग भी जो है ब्याज पे पैसा चलाते हो, तो मतलब इसमें कितनी सच्चाई है खाला? आप इसमें कितनी सच्चाई है कि मतलब कि आप भी जो है ब्याज करो? हम अल्लाह अल्लाह के रसूल को जानते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, हम उनकी कसम खा के बोलते हैं हम ब्याज पर नहीं चला, अगर हम ब्याज पर चलाते तो हम क्यों इनके ऊपर इल्जाम लगाते, हमारे घर में चटनी रोटी तो चलती है, हमारे तो खाने के वांदे है, घर खाली करने पे हमको पड़ा है, आज घर के लिए हमारा कितना लफड़ा हुआ कि 2 तारीख तक खाली करो, अगर हम चलाते तो हमारे पास डिपॉजिट होता। हाँ
ऐसा भी सुनने में आया कि ऑटो भी छीन ली गई, मतलब ऑटो छीन ली है ना, ऑटो दे रहा है ना, कुछ दे रहा है। अब ये बच्चा 10 दिन से बैठा है मेरा दामाद, ऑटो नहीं, घर में किस परिस्थिति से उन लोग रह रहे हैं, उन लोग को समझ में आ रहा है? खुद उन लोग को दिया है कि उन लोग ने छीना है? नहीं, वो आई मुस्कान था, अली था उसका हस्बैंड। आप थे सामने? हाँ, मैं जब सामने थी, मेरे को रात को 3 बजे फोन करे उन लोग ने, फोन करके कब्रिस्तान के यहाँ बुलाए जिस दिन पैसा देने का था ब्याज का, तो मेरे लिए अभी ब्याज का पैसा नहीं हुआ, मैं तुझे कल देती हूँ, नहीं नाटक करे अब भी चाहिए बोल के मैं से, फिर बोली ना ऑटो की चाबी दे, मेरे लिए एक रात खाली रुक जा तू, सुन रही नहीं, दोनों आदमी औरत आए घर के वहाँ से ऑटो लेके गए और अभी तक के ऑटो नहीं दिए इन लोग। मतलब ऐसा पता चला है मुझे, मतलब मैंने भी जो इंक्वायरी निकाला हूँ थोड़े बहुत, ऐसा पता चला कि आप लोग ने अपने हाथ से दिया है कि पेपर ही नहीं, पेपर पर कुछ नहीं, कुछ नहीं बना है ऑटो लोग, उस दिन ब्याज का पैसा ही नहीं गया था उसको, तो ऑटो जबरदस्ती लेके गई आके। ऑटो के लिए भी हम लोग चौकी गए थे, तो वहाँ वो क्या कहने लगी, इन्हें हम पे गिरू रखा है ऑटो, तो हमारी लड़की ने क्या बोले, अच्छा ठीक है कितने में रखा है, बोले 3 लाख में, तो मैं क्या बोली, वो 3 लाख मामला खत्म कर दो, तो जब मामला नहीं खत्म करने का था तो ऑटो रखे क्यों, फिर उसके बाद हमको मारे क्यों, तुमने तो बोले ना चौकी में 3 लाख में रखा है, तो हमारा मैटर खत्म हो जाता था ना। किसने किसने मतलब मारा था? रुको ने मारी थी, रुको ने मारी थी, किसी एक्सपर्ट का नाम मत बताओ, रुको ने मारी थी, मुस्कान ने मारी थी हम लोग को, और वो काटी दे, काटी है जो छोटी है जिसकी शादी नहीं हुई, वो सबसे ज्यादा मारी है, वो मुझे मारी है, घुस के मारी है, और मेरे आदमी को तो इतना मारे तीनों जन ने मिलके कि मेरा आदमी भाग गया था, कुत्ता तक छोड़ दिया उसके ऊपर, मोबाइल तक चले गए वो लफड़े में, मोबाइल भी चले गए पूरा, मोबाइल में उन लोग का ऑनलाइन जितने मैंने पैसे भेजी 1 लाख के करीब में है मोबाइल में मेरे, वो मोबाइल भी घूम गया झगड़े में मेरा। तो ये सब चीज जो हुई आप लोगों के साथ में, आप लोग ने मतलब क्या किया, पुलिस के पास गए का? पुलिस वहाँ पे नहीं, पुलिस उल्टा सईद भाई ने वहाँ पे भेजे थे हमारे को, इतना मार रहे थे घर के अंदर डाल के मार रहे थे हम लोग को, ना कोई छुड़ाने वाला उधर पे थे, उसकी फुप्पू के घर पे। इस मामले में 100 नंबर को कॉल किया गया था? नहीं, हम लोग तो उस वक्त नहीं कर पाए। हाँ, इतना है कि मैंने मोबाइल ऑन कर दी थी सईद भाई को सुनाने के लिए, तो सईद भाई ने फिर पुलिस भेजे। ये मतलब मारा पीटी कहाँ पे हुई, किसके घर पे हुई? Exactly. उसके फुप्पू के घर पे। कहाँ पे घर उनके फुप्पू का? वही हकीम का जो दवा खाना है ना, वही गली में, मैं सामने से आई रही थी और सब जन उधर खड़े हुए थे सी सेक्टर में। तो पुलिस इसके बाद में क्या कार्रवाई करी? पुलिस आई, बड़ी वाली बोलती इन दोनों है, ये इसने मेरे बाप को बोलती, इसने मेरे पे हाथ डाला, इसका आदमी हाथ डाला, पूरे कपड़े फाड़ ली थी, फाड़ के फिर बोली इन लोग को लेके जाओ यहाँ से, और जो के वो गली में सीसी कैमरा भी लगा हुआ है, कैसा मार रहे थे हमारे को। उन लोग किस तरीके के लोग हैं, कैसा उनका व्यवहार रहता है? उन लोगों का तो इतना देसा के ना, इतने कर्ज, इतने चिटाके में आधे से ज्यादा पैसा लिए ले ब्याज पे उधर पे, जो कोई भी मुंह नहीं खोलता, हर दिन उन लोग का इसी रोज का नाटक है। उन लोग अपने आप को ना खुदा बनाए हैं चिटाके में। तो अभी FIR किसके किसके ऊपर हुआ है? अभी FIR अली के नाम पे है, ये मुस्कान के नाम पे, रुखसार के नाम पे, मयूर के नाम पे है, लाल के नाम पे, और इमरान इम्मो जो उसको बुलाते, वो इम्मो इतनी धमकियां दे रहा मेरे को, बोलते तेरा आदमी का तेरा मर्डर कर दूंगा, बाहर लिख लो तुम लोग, कहीं भी लिख लो तुम लोग का एक्सीडेंट, बाहर के लड़के लोग से मार खिलवाऊंगा, और ऐसे ऐसे खबरी छोड़े हम लोग के मैदान में कि हर एक रिपोर्ट जारी है उन लोग को, जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ उन लोग के खबरी दिखते हैं हम लोग को। इस धमकी को लेकर प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? ये हम लोग प्रोटेक्शन दो हम लोग, क्योंकि इन लोग की आए दिन धमकी बढ़ते जा रही है, जो देखो मैदान में बच्चे बोल रहे आज नहीं हम लोग कल पैसा फेंक के बाहर लिख लेंगे, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग वो कर देंगे। अच्छा, धमकी किसके थ्रू आ रही है? ये उन लोग के तरफ से ही आ रही है। अब हमें नहीं फोन में नहीं, बच्चे उन लोग के जो वहाँ पे पाले हुए जो रखते ना उन लोग ही दे रहे ले। तो ये मतलब इसके कुछ शिकायत आप लोग ने पुलिस स्टेशन में की फिर से कि मतलब पहले ही पुलिस वाले को जभी भी बताए कि हमारे को ऐसी धमकी आ रही है, कल भी पूछे तो हम लोग को यही बोले हमको बहुत धमकी आ रही है कि जान से मार देंगे, केस रिटर्न लो, ये करो वो करो कर रहे। दहशत से मुझे जैसे मिली जानकारी के हिसाब से इनके दहशत से कुछ लोग जो आपके साथ वाले हैं वो मोहल्ला छोड़ के जा चुके हैं? हाँ, बहुत से जन भाग गए, वो नसरीन बोल के एक है वो भाग गई है, वो शबनम बोल के उसका 5 लाख चढ़ा दी, वो चिटाके से भाग गई है, सब ऐसे लोग इतना दहशत है वहाँ पे चिटाके में के लोग घर छोड़ के भाग जाते। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा ना भाड़े का घर है, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग को बेचने के लिए भी कुछ भी नहीं है कि हम लोग भी निकल जाए। अच्छा, काफी कमेंट देखने के लिए मिले अलग अलग तरीके से, कुछ बच्चे बेचने की बात हुई थी या ब्याज पे पैसा आप लोग चला रहे थे, आपको क्या लगता है इस बारे में?
ये जो भी आज की बात है, अगर हम मेरे ऊपर जैसा बोल रहे, मैं 400 से चलाती हूँ, ठीक है, मैं 400 से चलाती तो आज मेरी नौबत नहीं आती। मैं रातों में इन लोग की गालियाँ सुनती, इन लोग वहाँ लेके जाके इतनी इतनी गंदी गाली देते, धंधा कर तू जाके, ते को यहाँ भेज देंगे, ते को वहाँ भेज देंगे। नहीं दे रहे उनका पैसा, ब्याज का पैसा, तो बोलते धंधे पे लग जा। अच्छा, हमारे पास बहुत है गिरा के, 3 बजे 4 बजे का कोई टाइमिंग नहीं है। धंधा भी करते हैं लड़कियों का, करते हैं लोग का धंधा चालू है अभी भी। सुने अभी हम लोग ने बाहर साइड भी लड़कियाँ लोग भेजते है, विदेश भी भेजते। मेरे को बोलते तुमको क्या करेंगे, तुम तो बुड्ढी है, तुम्हारा कुछ मिलेगा नहीं, जो करना है तुम्हारी लड़की का करेंगे। खाला अमाउंट आपने एग्जैक्टली कितना लिया था? एग्जैक्टली 50 से चालू हुआ था, अब 4.5 लाख हो गया है। आए दिन ब्याज रुक जाता है, इंसान कहाँ से भरेगा? हम अपना घर भी देखेंगे, इतना प्यार मोहब्बत से समझा रहे थे कि 4 लाख लाए है, ले लो खत्म कर दो, सुनेंगे नहीं, बोले नहीं, पहले ब्याज काटेंगे, इसमें से जो बचेगा मुद्दल में लेंगे, बाकी का वैसे ही चलने दो, बाकी का वैसे ही चलेगा, फिर एक साल में तुम 4 लाख कर देंगे, तो कहाँ से लाएंगे हम हर साल? हम तो खुद किराए के घर में है। सर, ये जो मामला हुआ है ब्याज के लेन देन में कुछ मारा पीटी हुई है चिता कैंप में, तो ये मामला वो किस तरह से आपके आप तक पहुँचा? जी, मेरा नाम मोहम्मद सईद शेख है, मैं आपका फाउंडेशन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। परवीन मैडम हमारी प्रेसिडेंट है, तो परवीन मैडम के पास में एक कॉल आया, बोले मैं ऐसा ब्याज में फंसी हूँ, मैंने 50,000 का 1.5 लाख रुपया दे चुकी हूँ, और उसके बाद भी वो लोग 4.5 लाख रुपया मांगते हैं, मैं जान देने जा रही हूँ मैडम, मुझे आपका नंबर किसी ने दिया है, मैं जान देने जा रही हूँ। तो परवीन मैडम बोले वहाँ पर हमारे मोहम्मद सईद भाई है, चीता कैंप में रहते हैं, तो मैं इंक्वायरी करूँगी, ये बात आपकी सही है तो आपकी मदद की जाएगी। तो उन्होंने मेरे से रब्ता किया, परवीन मैडम ने बोला सईद भाई ये मैटर आया हुआ है आपके मोहल्ले का है, आप देख लीजिए। तो मैंने इंक्वायरी किया वो मैटर की, इंक्वायरी के बाद जब ताहिरा का नाम आया, उसका तो ये 15-20 साल से उनकी फैमिली का ये काम चलता है, पूरे ख़ानदान का काम यही चलता है, तो लोगों उनमें उन लोगों का इतना लोगों में दबदबा है कि बड़े से बड़े समाज सेवक, वहाँ के लीडर नेता कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखते, सलाम वालेकुम आपा बोल के निकलते हैं, लेकिन कोई बोलने को नहीं। और अफसोस की बात ये होती है कि कई न्यूज़ वाले ऐसे हैं जो वो सोशल वर्कर तायरा आपा बोलते हैं उनको, कि कोई इंसानियत का कत्ल कर रहा है, लोगों को पैसा देकर अपने ब्याज के बोझ तले इतना दबा दे रहा है, एरिया छोड़ने पे मजबूर, जान देने पे मजबूर कर रहा है, उसको समाज सेवक कैसा बोल सकते हैं? अगर ऐसा मैं भी कोई गलत काम करूं, 2 नंबर का धंधा करूं, कुछ भी एक्स वाई जेड जैसे जो भी होता है गलत धंधे, जो संविधान के हिसाब से इस्लाम के हिसाब से गलत है, उसके बाद मैं अगर समाज सेवा में किसी की बेटी की शादी करा दूं या कुछ भी कर दूं, तो इसका मतलब मैं अच्छा आदमी नहीं हुआ ना अच्छे लोगों की नज़रों में? जो गरीब है, छोटे मोटे लोग है, बुरे, जो जिनको दुनिया की मालूमात नहीं है, तो वो लोगों के नजरों में मैं हीरो हूं उनका। सर, इस मामले में जब आपकी एंट्री हुई, आपके संस्था की एंट्री हुई, तो क्या कुछ मामला हमें सुनने को मिला है कि आपके संस्था के लोगों को या आपको इनको धमकी दी जा रही है कि इस मैटर से आप पीछे हो जाओ, आप इसमें ना आओ? हाँ। तो क्या कुछ पूरा मामला है इसमें? देखिए, ऐसा है ना, मैं वहाँ पर काफी टाइम से समाज सेवा कर रहा हूँ, तो परवीन मैडम ने जो मुझे आदेश दिया उस हिसाब से मैं वहाँ पर देखने को गया, मुझे पता चला उनकी रिक्शा छीन ली गई, उनको बुलाया गया, रिक्शा छीन ली गई, मुझे अचानक मैं चौकी में गया, जो भी हुआ माशाल्लाह सीनियर साहब ने बहुत अच्छा क्विकली एक्शन लिया, उनके ऊपर FIR रजिस्टर हुआ है, उसके बाद मुझे धमकी आ रही है। मैं एक मासूम मजलूम गरीब लोग जो रोड पे पानी पूरी का ठेला लगाते हैं, उनकी मदद किया मैंने, हमारी टीम ने मदद किया, तो मेरी जान पे बात आ रही है, मुझे कपड़े फाड़ कर अटकाने की धमकी दी जा रही है। उसके बाद मेरा एक बेटा है 15 साल का और एक बच्चा है मेरा 18 साल का, बोलते हैं कि उन लोग को पोस्को केस में अटकाया जाएगा। इंसानियत का काम करना अगर गुनाह है तो बताइए, ये सब काम छोड़कर मैं अपना अगर अपना घर दार देखूं और सिंपल अपनी ज़िंदगी निकालूं, लेकिन ये मेरे खून में नहीं है। मैं पहले से थोड़ा बहुत अल्लाह ने जो मुझसे काम लिया, मैं समाज सेवा करता हूँ, उस हिसाब से मैंने अपना कदम पीछे नहीं लिया। मेरी फैमिली डरी हुई है, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरे बच्चे और सब लोग डरे हुए, मैंने उनको एक ही बात बोला, डरना अल्लाह से, जो होगा वो होगा, अल्लाह जो करेगा वो मंजूर है।
तो मुझे भी जान की धमकी दी जा रही है। मैंने डीसीपी सर, ज्वाइंट कमिश्नर सर और ट्रॉम्बे सीनियर शिंदे सर, उनको मैंने लेटर इंडिविजुअली मेरा दिया है, तो उन्होंने कार्रवाई का इमीडिएटली आश्वासन दिया और उन्होंने बोला कंप्लेंट उनके ऊपर कीजिए। तो ऑलरेडी मेरी कंप्लेंट हो चुकी है। मुझे पुलिस प्रशासन से ये उम्मीद है कि मैं अगर किसी का हक का काम कर रहा हूँ, कोई मजलूम कोई गरीब, 200 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है, तो ये लोगों का पावर सोर्स कितना है देखिए। क्या लगता है आपको इस धमकी के बाद आप इस काम को किस तरह से करना चाहेंगे? इस धमकी के बाद से मैं थोड़ा एहतियात रखूंगा। मैंने पेपर वर्क जो कानून के हिसाब से मैंने किया, मेरी टीम ने किया, लेकिन मैं मेरे कदम पीछे नहीं ले सकूंगा। वो लोग बोल रहे हैं हमारे पास पैसे इतने के पैसे खर्चे कर देंगे, इसको एरिया से निकाल देंगे और घर इसके बिक जाएंगे। कानून के कलम में इतनी ताकत है, उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, हमारी पेन की स्याही ख़त्म नहीं होगी। उस स्याही से हम लोग इनको समाज में ऐसी गंदगी का खात्मा हम लोग करना चाहते हैं। आपके फाउंडेशन के माध्यम से जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह के मैटर के ऊपर? हमारे आपका फाउंडेशन के माध्यम से मैं जनता को ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से मत डरो जो लोग आपको 50,000 रुपया देते हैं और उसके बाद में 5,00,000 कर देते हैं। अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी तकलीफ है, चीता के मो ऑल ओवर मुंबई हो, आपका हक फाउंडेशन से हमें संपर्क करें। जो भी काम आपके साथ में गलत हो रहा है हमें संपर्क करें, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको कानून के हिसाब से हक दिलाने की। ये जो चीता कैंप का मामला है, ब्याज पे पैसा लेन देन का, ये किस तरह से आप तक पहुंचा और इसमें आपने क्या क्या रोल किया है? मैं परवीन इमरान शेख आपका फाउंडेशन से हूँ। मुझे कॉल आया था खाला का, शकीला जो है ना विक्टिम, उनका मुझे कॉल आया था। उन्होंने मुझे कॉल पर इन्फॉर्म किया कि सामने वाले उन पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, एकदम से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। उनकी बेटी ने फिनाइल पी ली थी, तो वो वजह से, मतलब जब मुझे ये चीज़ें पता चली तो मुझे लोकेशन पता चली चीता कैंप की, तो मैंने फिर हमारे ही टीम के मेंबर जो है सईद सर, उनको मैंने इन्फॉर्म करी। मैंने उनको बोला कि वहाँ पर आप इंक्वायरी कीजिए कि ये सब क्या चल रहा है वहाँ पर, ऐसे लोगों को टॉर्चर कैसे किया जाता है। तो उस हिसाब से सईद सर ने वहाँ पर इंक्वायरी करी, तो वहाँ पर उनको पता चला कि ये सब मतलब ज़्यादा ही वहाँ पर चल रहा है, उनका ज़्यादा ही गुंडागर्दी चल रही है, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, धंधा करवाते हैं, बहुत कुछ और बहुत कुछ, मतलब वहाँ पर से डिटेल्स हमको पता चली, लोगों ने हमको ये सब डिटेल्स दिए वहाँ पर, तो उसके थ्रू हम लोग ने फिर ये कार्रवाई की। तो पुलिस से किस तरीके से मदद मिली आप लोगों को? हमने चीता कैंप के सीनियर सर है शिंदे सर, उनको हमने कांटेक्ट किया, तो वहाँ पर हमको पता चला कि मतलब सर ने एकदम क्विक इंस्टेंट मतलब एक्शन लिया उन लोग के ऊपर और उनके ऊपर तुरंत FIR दर्ज करवाई। अच्छा, इतनी मतलब जो है हिम्मत करके आगे बढ़ना और किसी को इंसाफ दिलाना, उसके बाद में जो धमकी आना, उसमें क्या कहेंगे आप? ये ऐसा है ना कि मैं खुद इस रास्ते पर भटक गई थी, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी तो उस रास्ते से मैं अपने आप को बचाकर निकली हूँ ये ब्याज के रास्ते से। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जो चीज़ मैं मतलब मुझसे होके गुजरी है, तो वो चीज़ों पे मतलब अभी लोग नहीं पड़े ये सब चीज़ों में। मेरे और भाई बहन जो है, मैं मतलब ये जो जितने भी लोग हैं ये काम करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अल्लाह देख रहे हैं, ये हमारी आखिरत नहीं है, हमारी आखिरत दूसरी है। तो इसीलिए कैसा है ना, ये रास्ते को छोड़ दो, ये सब काम छोड़ दो, क्योंकि अगर ये काम हमको फिर पता चलेगा तो हम इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, जो हमारे लॉ के हिसाब से है। जो धमकियां हमको दी जा रही है, जो सईद सर को दी जा रही है, उसके रिलेटेड हम लोग ने पेपर वर्क किया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग ने सबमिट किया हुआ है पेपर वर्क, और हम ये धमकियों से डरने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग ये सब चीजें हम हमेशा करेंगे। अगर कोई ऐसा तंग करेगा किसी को ब्याज के रिलेटेड, ये सब टॉर्चर ये सब होगा, तो हम लोग लॉ के हिसाब से ही चलेंगे और हम पेपर वर्क करके उनको उस अंजाम तक पहुंचाएंगे जहां पर हमको उनको पहुंचाना है। तो चिता कैंप में कई फैमिली ऐसी है जो ब्याज के जो है इसमें आके फंस चुकी है, मैक्सिमम फैमिली ऐसी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे आके कांटेक्ट कीजिए, अगर कुछ ऐसा रहता है तो हमारे आपका हक फाउंडेशन पे कांटेक्ट कीजिए, हमको पता चले, और भी अगर कोई लोग फंसे रहेंगे तो हमको कांटेक्ट कीजिए, तो हम उनकी हेल्प करेंगे और हमेशा करेंगे।
हमारी जानकारी में आया है कि आपकी जो टीम वहां पर जीरो ग्राउंड पे जो काम कर रही है आपके संस्था के माध्यम से, उनको धमकी दिया गया, जो आपके साथ बैठे हैं सर, उनको धमकी दिए कि कपड़े फाड़ के गलत केस में, झूठा केस में फंसाएंगे, या उनके घर वाले को, उनको लड़के बच्चे को, या फिर मारने का धमकी, इस तरह की धमकी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए हम लोग ने पेपर वर्क ऑलरेडी किया हुआ है, और अगर ये धमकी हमको देने से वो ये सोचेंगे कि वो सर पीछे हो जाएंगे या फिर हम डर जाएंगे, बैकआउट हो जाएंगे, तो ये चीजें नहीं होने वाली है। हम उनका साथ देंगे, हम आखिर तक सर के साथ में खड़े हैं, और अगर उनको कुछ होता है तो उसके लिए मैं, हमारे पुलिस शासन है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर को प्रोटेक्शन दीजिए, और वहां पर अगर कुछ ऐसे लोग आते हैं गलत इंक्वायरी के लिए, ये सब गलत इल्जाम लगाते हैं, तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाए।